बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ़ द एमए पॉडकास्ट। एंड एज़ यू नो कि हम हॉट इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, कॉमन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, और जो इशू हमने पिक किया जिस पे मैंने पास्ट में बहुत एस्टीम गेस्ट के साथ एक शो भी किया, एक एपिसोड की साहिल अदीम के साथ और आपा रज़िया मदनी हु इज़ अ वेरी सीनियर स्कॉलर इन लाहौर, और दैट टॉपिक वाज यू नो वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान एंड द वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो बहुत से कमेंट्स नीचे आए उस वीडियो के नीचे, उस एपिसोड में बहुत से कमेंट्स आए कि यू नो आई शुड बी कॉलिंग सम एस्टीम्ड अदर वुमेन एज वेल, जिनसे मैं मज़ीद पाकिस्तान में जो वुमेन के इश्यूज हैं उन पे बात करूँ, उनका पर्सपेक्टिव लूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई थॉट ऑन इट कि यस, जो कि वुमेन के इश्यूज़ हैं वो वुमेन से ही पूछने चाहिए। ये भी एक शिकायत होती है बहुत से लोग को कि आप मेल्स डिस्कस करते हैं जबकि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते, आप उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं समझते फीमेल्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन टुडेज़ शो आई हैव वेरी एस्टीम टू गेस्ट विद मी, माशाल्लाह आई हैव विद मी सिस्टर सारा चौधरी एंड मोस्ट ऑफ यू नो हर, माशाल्लाह इनफैक्ट ऑल ऑफ यू नो हर। She is a former actress and then she has a very inspirational story. Allah subhanahu wa ta'ala brought her to light and she takes pride in it, mashallah. And currently she's a motivational speaker, counselor, trainer at Youth Club. Along with it, she's also the CEO of Online Quran Academy by Sara Chaudhary. This is her personal project. So barakallah and mashallah. And with me is the regional head of Punjab Youth Club Female Wing, Iman Anwar, and mashallah, she is also you know conducting halakas for the females in Lahore, and she interacts regularly with the females, with the young females. So mashallah, I have both guests who have a broad perspective about women issues, about you know, आजकल जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, हु आर यू नो स्पेंडिंग अ लाइफ इन दीज टाइम्स ऑफ फितना, जस्ट लाइक यू नो टीनेजर्स के लिए बहुत सा फितना है, तो ऑब्वियसली हमारी जो बहनें हैं उनके लिए भी बहुत सा फितना है। सो दे टेक काउंसलिंग केसेस, दे कंडक्ट रेगुलर हलकास, सो दे इंटरेक्ट विद द यंग फीमेल्स अ लॉट। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव देम ऑन माई शो एंड आई विल बी आस्किंग देम क्वेश्चन। सो फर्स्टली जज़ाकअल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग इन, अस्सलामु अलैकुम टू बोथ ऑफ यू। सो लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, चूँकि हम बात कर रहे हैं वुमेन के इश्यूज़ के ऊपर, और बहुत सी शिकायतें आती हैं कि यार आप लोग जो रिलीजस लोग हो ना, वो वुमेन के इशूज़ समझते ही नहीं, ना वो समझना चाहते हैं। वो एक ही बात बार बार करते हैं कि इस्लाम ने बहुत राइट्स दिए हैं वुमेन को, इस्लाम ने बहुत राइट्स दिए हैं, लेकिन देखने में कुछ भी नहीं आते। वो राइट्स कहाँ मिल रहे हैं हमारी ख़वातीन को? फिर ज़ाहिर है एक ये भी शिकायत आती है कि चूँकि आप लोग उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपने वो लाइफ देखी नहीं, आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इस वक्त क्या प्रेशर है हमारी यंग गर्ल्स के ऊपर। अगर मैं देखूँ और कोट करूँ फ्रॉम द बैकग्राउंड कि देखिए कि अगर हम पास्ट में देखें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अगर हम देखें पास्ट में, तो वहाँ पर वुमेन को ईवल कंसिडर किया जाता था, डेविल कंसिडर किया जाता था इनफैक्ट, और रोमन सिविलाइजेशन में एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता था, सोर्स ऑफ प्लेजर कंसिडर किया जाता था। इनफैक्ट वो ख़ुद ही अब अपनी मूवीज़ में वो चीज़ दिखाते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन में ऐसे वुमेन को ट्रीट किया जाता था। फिर इंडियन सिविलाइजेशन में हम देखें तो औरत के क्या राइट्स थे वो हमारे सामने हैं। सती की जो रस्म थी कि उसका खामद फौत होता था उसे भी साथ में जला दिया जाता था, और अरब कल्चर में जो औरत की वो औरत का जो था ज़ाहिर है एक स्टेटस था वो ये था कि उसे ज़िंदा दफनाया जाता था, तो वो सब हमारे सामने। एंड देन अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेस्ड अस विद इस्लाम, अल्लाह सुब्हान व तआला यू नो सेंड रहमतुल्लिल आलमीन, जिन्होंने औरतों का स्टेटस बुलंद किया, औरतों को डिग्निटी दी, वो स्टेटस दिया। बट देन अगेन वेयर इज़ दैट डिग्निटी, वेयर इज़ दैट स्टेटस हमारे माशरे में? हमारी जो सोच है ख़वातीन के हवाले से, ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये शिकायतें हैं हमारे एजुकेटेड तबके की कि आप बहुत बात करते हैं कि इस्लाम ने बड़ा स्टेटस दिया है, लेकिन वो स्टेटस कहाँ है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि अगर हम आज के दौर को देखें तो इतना फितना है और इतना प्रेशर है हमारी यंग गर्ल्स पे, हमारी सिस्टर्स पे, फ्रॉम एवरीवेयर, मीडिया है, कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, यू नो फिर ब्रांड्स हैं,
फिर पीयर प्रेशर कितना ज़्यादा है, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट वुमेन, एवरी वन यू नो मूवीज आर शोइंग दैम, टी वी सीरीज आर शोइंग दैम, एंड यू नो सम सर्टन स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट विद रिगार्ड्स टू हाउ वुमेन शुड एक्ट, हाउ वुमेन शुड बिहेव. तो इस हवाले से हमारी जो सिस्टर्स हैं जो इस वक्त काफ़ी प्रेशर फील करती हैं कि वट इज़ द राइट वे एंड हाउ शी शुड कैरी हर सेल्फ फॉरवर्ड. सेल्फ एस्टीम के इशूज़ भी आते हैं ऑब्वियसली, और आइडेंटिटी क्राइसिस के इशूज़ भी आते हैं कि मैं हूँ कौन और मैं किस तरफ जाऊँ. तो इस हवाले से मेरा पहला सवाल है कि हाउ शुड अ गर्ल इन 21st सेंचुरी, अ मुस्लिम गर्ल, हाउ शुड शी कैरी हर सेल्फ फॉरवर्ड. तो मेरे ख्याल आपसे शुरू करते हैं कि हाउ शुड अ गर्ल इन 21st सेंचुरी कैरी हर सेल्फ फॉरवर्ड. आई थिंक इसमें सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, और फितरत है दीन, दीन हक. अब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस और इस तरह की जितनी भी टर्म्स हैं वो आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा रेलिवेंट क्यों हो गई हैं या इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों हो गई हैं, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड. एंड इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज सिविलाइजेशन जिसमें हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारे अराउंड इज अ मैसिव मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया. एंड हमारी यंग बच्चियाँ, हमारी जो फीमेल्स घरों में हैं, जॉब प्लेसेस पे हैं, दे हैव इमेंस प्रेशर टू बी इन द लीग. They want to be in a certain league ताकि वो left out feel ना करें. In that race वो अपनी identity को पीछे करके वो उन चीज़ों को, उन trends को, उन ऐसी चीज़ों को follow करना शुरू कर देती हैं which actually is not their identity being a Muslim individual. अब यहाँ पे एक और चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सोशल मीडिया की जो वेव है और ये इतनी इन्फ्लुएंस क्यों करने लग गई है अब. इट्स बिकॉज द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम वेस्ट. वहाँ पे एक लिबरलाइजेशन की एक पूरी वेव चली है, और उसमें जितना भी इसको डिस्कस किया जाए उसका जो क्रक्स है वो यही है कि द लेस क्लोथ्स यू वेयर मोर फ्रीडम यू हैव, मोर जिसे कहते हैं आपकी जो जुबान है वो आपके कंट्रोल से बाहर है. जितनी आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव होकर बात करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास फ्रीडम है. इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम दिया जा रहा है. बट डीप इनसाइड अगर हम देखें तो हाउ इट हैज इफेक्टेड कि एक वुमेन को, एक खातून को एक ऑब्जेक्ट बना के पेश किया जा रहा है, इन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल एड, गाड़ी के ऑयल की एड, कुकिंग ऑयल की एड, हर कमर्शियल से लेके हर इंडस्ट्री में आज फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है. एंड हमारी बच्चियों को ये शायद नजर नहीं आता कि हमारा वर्ल्ड व्यू जहाँ से हम ले रहे हैं वो एक्चुअली बींग अ वुमेन के एसेंस को ही डैमेज कर चुके हैं. हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत पीछे रख चुके हैं, और अब हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें बॉलीवुड या वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो आई थिंक ये बहुत एक अंडरस्टैंडेबल चीज है इफ समबडी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ समबडी डिग्स इन टू इट. एंड आई थिंक द चॉइस boils down to only two things. That there is this one thing called as glitter of the theory, जो कि आजकल हमारे सामने है, and gold of the truth. बिल्कुल ठीक, जो कि हमारा दीन है. सो इट्स फॉर अस टू चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स कि हमने ग्लिटर जो हमारे सामने ग्लैमराइज करके आजकल की थेरीज को, आजकल के ट्रेंड्स को, आजकल की फेमिनिज्म एंड मेनी मेनी इजम्स, इनको जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, आइदर वी हैव टू टेक इट और नॉट. सो इवेंचुअली इस सारी चीज का रिजल्ट तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही होगा, बिकॉज यू हैव डिविएटेड फ्रॉम योर नेचर, योर फितरा, दैट इज योर दीन, एंड यू हैव डिविएटेड फ्रॉम द कमांड्स दैट अल्लाह ताला हैज गिवन अस फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ आवर ओन. तो फिर ये रिजल्ट तो डेफिनेटली होंगे. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज किया कि ग्लिटर और गोल्ड इसमें जो फर्क है ना, कि आर यू चेजिंग ग्लिटर और आर यू आफ्टर द रियल ट्रेजर दैट इज गोल्ड.